सर आपका नया शो आ रहा है जो कि नाम उसका हम रहे ना रहे जो है, कितना रोमांटिक लग रहा है, और आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए और क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है शो में। सो हम रहे ना रहे इज अ रीमेक ऑफ अ टर्किश शो, और इट्स अ ब्यूटिफुल शो बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स। इसमें ना चाहे वो माँ बेटे की रिलेशनशिप हो, बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड जो अब उसकी वाइफ बनी है टीना दत्ता, उसके साथ रिलेशनशिप हो, और जो थर्ड एंगल एक आया है जो कि मेरा है, वो एक सौतेला भाई का एंगल है, जो कि ये इसका हक था, सबसे बड़ा ये है इस घर में, लेकिन उसे सौतेला व्यवहार सौतेले तरीके से ट्रीट किया गया था। सो आई हैव कम बैक टू रिक्लेम माई पोजिशन इन दिस हाउस। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, जो महाभारत में कर्ण का रोल था ना, और बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि ऐसा कुछ हिस्टोरिकल या फिर ऐसा कुछ मेन स्ट्रीम शो करो, एंड आई एम सो सो हैप्पी डूइंग दिस शो विद स्वास्तिक। रियली थैंक यू, यू नो, फॉर सच अ फैंटास्टिक कम बैक। सर इसमें भी आपको नेगेटिव रोल में देखा गया है, तो मतलब क्यों ऐसा, आपको मोस्ट ऑफ द शो में आपको नेगेटिव क्यों दिखाया है? यार मेरी शक्ल ही ऐसी है कि मैं भले रियल लाइफ में बहुत ही गुड फैमिली मैन हूँ, लेकिन शक्ल पे लिखा हुआ है मस्ती, खुराफाती, कुछ तो यू नो समथिंग अप स्लीव, बदमाशियाँ करने वाला है, तो आई कॉन्ट हेल्प इट। एक बार बहुत पहले एकता ने कहा था, एकता कपूर ने, आई थिंक जब हम कसौटी कर रहे थे, मैंने कहा यार मुझे कुछ पॉजिटिव रोल दो ना, गिव मी समथिंग, आई वांट टू प्ले अ पॉजिटिव एंड। बोले नो आई कांट। आई सेड व्हाई? बोले फेस इज रेटेड अ रिच स्पॉइल्ड ब्रैट। इसमें मेरी क्या गलती है? बट ऑनेस्टली ऑन अ जेन्युइन नोट, मुझे ऐसे रोल्स प्ले करने में बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि ऐसे रोल्स में ना बहुत सारे शेड्स होते हैं किरदार के, यू आप खेल सकते हो, आप अपने अंदर के बहुत सारे इमोशंस को जगा सकते हो। सो एज एन एक्टर इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं अपने आप को सीमित नहीं करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव शेड ही करने, बट हाँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, यू नो, अगर नेगेटिव ही करना है ना, तो साउथ की फिल्में बड़ा नेगेटिव बहुत ही कमाल से लोग प्ले करते हैं, तो वहां पर तो आउट एंड आउट नेगेटिव ही करना है, बट यहाँ पर हम थोड़ा वेरिएशन दे सकते हैं। सर आपका नाम जब हमने आना है तो आपका किरदार के साथ ही कुछ नया हटके है, हमें तो पता है कुछ अप एंड डाउन कुछ तो आप लाने वाले हैं, तो इस सीरियल में आप क्या कुछ अपने किरदार के साथ ट्विस्ट लाने वाले हैं? मैं ये समर की हाँ कैरेक्टर मैं ये अभी जो ट्विस्ट आने वाला है सबकी फट के हाथ में आ जाएगी रियली। और जो मैं बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज वो एक क्रिएटिव कॉल है, बट अभी से ही मतलब इतने सारी चीजें कर रहा है एक समर, अभी घर के अंदर आ चुका है, ही इज प्लेइंग विद एवरीबॉडी, सबके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। सो दिस इज समथिंग न्यू, जो माइंड गेम्स खेल रहा है इस पूरी फैमिली के साथ, सबका ट्रस्ट जीत रहा है, बट साथ में उसको पता है ट्रस्ट जीतने के बाद फिर वो कैसे वो काटते हैं ना एकदम प्यार से, वो वैसे ही काटेगा सबको। बट जो अभी ट्रैक आने वाला है, ओ माई गॉड, आई एम रियली रियली वेटिंग फॉरवर्ड, एंड आई विश आई कुड शेयर दिस विद यू, बट आई थिंक विद इन 10-15 days में वो ट्रैक वैसे भी आ ही जाएगा, सो यू विल से ओ वाओ वी ऑलवेज वांटेड दिस। इसी के साथ हम देखते हैं टीना के साथ और जय के साथ आपकी मस्ती, और आप सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ बनाया आपका सेट? बॉन्ड उस हिसाब से देखो, जय को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो उसके साथ बॉन्ड है, बिकॉज माही टीजे हमारे बच्चे, दे बीन रियली क्लोज टुगेदर, सो जय के साथ इज एन ओल्ड बॉन्ड। टीना मैं पहली बार मिला तो, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना, बहुत ही केयरिंग है, वेरी वेरी लविंग, लेकिन अच्छा बॉन्ड मेरा बना आभास के साथ जो राघव प्ले करता है, और मोहित है उसके साथ भी, जो उसका सामवेंद्र, जो मैं जिसे मैं कामवेंद्र बुलाता हूँ, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है, बिकॉज दे यंग, दे यू नो दे फन, दे यू नो दे काइंड ऑफ लुक अप टू यू, दे वांट यू नो आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करना होता है उनके साथ, आई रियली एंजॉय हैंगिंग आउट विद देम। सर सेट में ऐसा कुछ फनी मोमेंट जो आपको अभी तक याद है? अरे यार 2 दिन पहले ही बात हुई थी, हम लोग शूट कर रहे हैं, और अभी आई थिंक वो एक ऐसा सीन है कि मानवेंद्र, एक साइलेंस प्लीज, मानवेंद्र बेड पे बैठा हुआ है, वो थोड़ा कोमा में चला गया, और वो अपनी सिर्फ एक उंगली उठा सकता है, तो
डायरेक्टर बोले तुम अभी एक उंगली उठा, बोले नहीं तो आना तुम्हारी ये वाली उंगली उठाना। तो हाँ, इस बात को लेकर हम सब एक रूम में थे, जय, टीना, मैं, राघव, वो सामने वी आर लाफिंग। वो डायरेक्टर बेचारे गुस्सा हो गए, लोको सर जो है, he got really angry, he said what kind of professionalism is, like, sir please isme professionalism mat laiye, kyunki hum we are very sorry, we are genuinely very sorry, at least 20-25 minute humne barbaad kiye, has has ke har ruk hi nahi pa rahe, jay bola tujhe teri acting ki kasam, main bola ke tujhe tere bachchon ki kasam, hasna mat, we went mad really, it was lot of fun, of course bechare director sir jo hain unko badi takleef hui, but we are sorry, but jab fit aata hai to fit aata hai, kya kar sakte hain। सर जैसे कि हम जानते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी बहुत ट्रेंडिंग पे है, तो बिग बॉस ओटीटी स्टार है, तो बिग बॉस ओटीटी में आप किससे ज्यादा सपोर्ट करते हैं? मुझे साल का ओटीटी बिग बॉस बहुत ही लैकलस्टर लगा, ओके, मुझे लगा कि कुछ धमाल होने वाला है स्टार्ट में, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अगर मैं कहूँ कि कौन अच्छा खेल रहा है, अभिषेक अच्छा खेल रहा है, वेरी गुड, वेरी जेन्युइनली रियल, ओके, कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट करता है बट वेरी रियलिस्टिक क्रिएट करता है, लाइक दैट, बट अदरवाइज देयर इज नो फन इन दिस। मतलब अभिषेक जैसे एटलीस्ट 7-8 कैरेक्टर्स होने चाहिए तो मजा आता है, अब एक ही बंदा है तो फिर क्या फायदा। सो इसके बाद आपके फैंस और ऑडियंस आपको किस किरदार में देखेंगे अदर देन समर? लास्टली फैंस और ऑडियंस को क्या कहना? एक जो किरदार आने वाला है, कैसे कहूं मैं, कह भी नहीं सकता, वरना वो फील कर सकते। बस मेरे 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 होंठ सीले हुए हैं और बहुत जल्द खुलेंगे आप ही के सामने, सो डोंट वरी, बहुत ही कमाल का किरदार आने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।